हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी सॉल्यूशंस में। दोस्तों, कोविड के दौरान बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला गया और अब तक भी लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं मैक्सिमम। तो इस दौरान उनके जो डेस्कटॉप यूज़र्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनका डेस्कटॉप तो ऑफिस में है और लैपटॉप लेके वो घर से अपनी फाइल्स कैसे एक्सेस करेंगे। इस पर्पस के लिए कई कंपनियां एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगी हैं। मार्केट में आपको रिमोटली एक्सेस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक है और ट्राई किया हुआ है हमारा, जो कि डिस्कनेक्ट नहीं होता। बाकी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कि वो कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसको वापस से रिकनेक्ट करना पड़ता है। जो मैं सॉफ्टवेयर आज बताने वाला हूँ उस सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो वो सॉफ्टवेयर एनी डेस्क, किसी भी लैपटॉप को, मोबाइल को रिमोटली एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम इसका यूज़ आईटी पर्संस करते हैं दूसरे को सपोर्ट देने के लिए, बिना उसकी लोकेशन में विजिट करे हम अपने घर बैठे, ऑफिस बैठे ही उसको सिस्टम को देख सकते हैं। तो इस पर्पस से इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। एनी डेस्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अभी फ्री है और बहुत ही जल्दी ये शायद आपको पेड वर्जन में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इसका यूज़ कोविड के दौरान हो रहा है, बहुत ही संख्या में लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, अभी तक ये फ्री है। तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन वो अक्सर पेड वर्जन होते हैं जिनको आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तभी वो आप उनकी बाकी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट नहीं होता और इसको बार बार रिकनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप गूगल में टाइप करेंगे एनी डेस्क और ये विंडोज़ या एनी डेस्क के लिंक पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड का बटन नीचे दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा 3 से 4 मिनट में, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, आईडी दिस डेस्क आईडी आ जाएगा। तो इंस्टॉल हो चुका है और आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।